के दौर में जब ऑस्ट्रेलिया गया तो कहीं ना कहीं वो गोल्डन दौरा था। वो बेशक इंडिया ए का टूर रहा हो, लेकिन जिस तरह से उसने वहां परफॉर्म किया, उसने जाकर इंडिया टीम के दरवाजे को खटखटा दिया था। जिसने अपनी विकेट कीपिंग से पूरे मध्य प्रदेश में अपना लोहा मनवाया और 20 साल तक मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में अपनी तूती बुलवाई। हम बात कर रहे हैं नमन ओझा की। नमन ओझा उज्जैन में जन्मे और उसके बाद पूरी दुनिया में छा गए। 2008 का वो आईपीएल जिन्होंने देखा उन्हें याद होगा किस तरह से नमन ओझा को शेन वॉन का सपोर्ट मिला, और जितनी जल्दी उनको शेन वॉन ने जितना सपोर्ट किया उतना ही निखर के वो आए। सनराइजर हैदराबाद में वो रहे, काफ़ी अच्छे पायदान पर वहाँ पर भी रहे, काफ़ी अच्छा खेले, लेकिन कहीं ना कहीं इंजरीज की वजह से नमन ओझा को 15 फरवरी 2021 को अपने 20 साल के लंबे क्रिकेट कैरियर से संन्यास लेना पड़ा। और बात करने के लिए हमारे साथ नमन ओझा खुद जुड़े हैं। नमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। थैंक यू। नमन भाई, अगर बात की जाए 20 साल का लंबा कैरियर, और उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जिस तरह से मेरे पीठ में दर्द और तमाम अब मेरा शरीर है, अब उसने जवाब दे दिया, अब मैं क्रिकेट खेलने में असमर्थ हूं। क्रिकेट खेल सकता हूँ लेकिन मैं शॉर्टर फॉर्मेट खेल सकता हूँ, तो मैंने ऐसा सोचा कि जो शॉर्टर फॉर्मेट है, क्योंकि लॉन्ग अगर 4 दिन के मैच खेलते हैं तो काफी हैवी लोड रहता है बॉडी में, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आप T20 अगर मैं खेलूंगा तो मैं और ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा कर सकता हूँ और ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि 3 घंटे का ही गेम रहता है, तो 3 घंटे के गेम के अंदर काफी अच्छा हम लोग मैं उसमें परफॉर्म कर सकता हूँ। नमन भाई, अगर बात की जाए जिस तरह से आपका करियर रहा, एक शानदार विकेट कीपर के तौर पे आप जाने जाते हैं, आपकी विकेट कीपिंग के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि नमन भाई की विकेट कीपिंग या नमन ओझा विकेट कीपर खराब है। नहीं, धोनी के दौर, वो दौर ऐसा था कि वो धोनी युग था, लेकिन आपने हमेशा से, वो चाहे आईपीएल रहा हो या मध्य प्रदेश की बात की जाए या जहाँ पर भी आप, चाहे वो इंडिया ग्रीन की वो बात रही, इंडिया ए के आप कप्तान रहे ऑस्ट्रेलिया टूर में, आपने अपनी तरफ से प्रतिभा को हर तरीके से दिखाया और उसको हाथों हाथ लिया भी गया। तो मैंने बस यही कोशिश करी हमेशा कि मैं जहां पे भी खेलूं अपना बेहतरीन प्रदर्शन करूं, और मतलब मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि ये छोटा मैच है या बड़ा मैच है। मैंने जो भी मैच खेला यही समझ के खेला कि ये मेरा आखिरी मैच है, और भले वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, आईपीएल हो या कोई सा भी मैच हो, मैंने उसमें अपना 100% दिया। कभी उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस आया, कभी नहीं भी आया परफॉर्मेंस, पर ये पार्ट एंड पार्सल है। अगर नमन ओझा को देखा जाए क्रिकेट के अलावा, तो एक स्मार्ट डैशिंग, मुझे तो कुछ मेरे जानकार जो मैंने स्टडी की है कि 2015 में आपको फिल्म तक ऑफर हुई थी जब आप ऑस्ट्रेलिया टूर से वापस आए थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिल्म ऑफर नहीं हुई मेरे को, मगर बस यही है कि आप क्या होता है कि आप ग्राउंड पे खेलते हो और इतना मेहनत करते हो, जो कि जो आप हार्डवर्क करते हो, तो मतलब आपका जो रूटीन रहता है वो डिसिप्लिन रहता है, आप एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हो एज ए क्रिकेटर, तो मतलब आपका जो बॉडी का फिटनेस रहता है वो हाई रहता है, मतलब तो उसमें लोगों को ऐसा लगता है कि फिल्में कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मगर वो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। बिल्कुल नमन भाई, बड़ी, जब आपने संन्यास लिया तो बड़ी बातें आईं कि मध्य प्रदेश एसोसिएशन से आपका कुछ विवाद है, बीसीसीआई से कुछ आपका तालमेल नहीं है, आपकी कुछ दिक्कतें आ गई हैं, ये एक र्यूमर था या इस पे कितनी सच्चाई है इन सब बातों पर? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी नहीं। अगर मेरी बॉडी फिट रहती है 4 दिन के मैच के लिए, फिर थोड़ा सा कोरोना भी आ गया था, बहुत सारी चीजें थी वो लेते हुए, बाकी ऐसा कोई मेरा किसी के साथ कोई विवाद नहीं है, कुछ भी नहीं। क्योंकि जिस तरह से मैं आपको जानता हूं, आप कभी विवादों में रहे नहीं हैं। मुझे तो आपका आज वो यूपी के खिलाफ आपने शानदार दोहरा शतक कानपुर के ग्राउंड में मारा था, जब उस टाइम भी आपके बैक पेन हुआ करता था, मैंने वो ग्राउंड पर मैच देखा है। जिस तरह से आपको विकेट कीपिंग में, तब जलज भाई भी हुआ करते थे, जलज सक्सेना, बुंदेला भाई भी हुआ करते थे, वो टीम जब आप लोग की वो टीम थी, वो आज युवाओं के लिए बड़ा प्रेरणादायक। अगर बात की जाए जिस तरह से वो टीम आप लेके, मध्य प्रदेश की टीम जब वो आती थी यूपी में या कहीं भी, भले आप रणजी ट्रॉफी फाइनल तक ना पहुंचे, लेकिन उसमें जो प्लेयर होते थे वो आज भी अगर अलग अलग हैं, कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ रहे हैं। नहीं, वो तो है ही ना कि अगर जो भी वो रहेंगे,
हमारे प्लेयर्स जितने भी थे, हमारी बहुत अच्छी टीम थी एक्चुअली, बहुत युवा टीम थी। और हम लोगों ने मतलब 2008 से लेके 2016-17 तक तो हमने काफी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी हम लोगों ने, कि जो हमें मतलब हम लोग रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल भी खेले, सेमीफाइनल भी खेले, और कंसिस्टेंट हम 5 या 6 साल तक हम लोगों ने क्वालिफाई किया। भले वो T20 हो या फिर वनडे हो, हमने सारी टीमों में क्वालिफाई किया, रणजी ट्रॉफी क्वालिफाई किया। मैं टेस्ट के लिए मैं इंडियन टीम में आया 2010-11 में, वनडे टीम में आया, फिर T20 टीम में आया, फिर टेस्ट टीम में आया। तो वो मतलब एक बहुत अच्छा टाइम था 2007-08 से लेके आप देखोगे 16-17 17-18 तक बहुत बहुत अच्छा रहा हमारा। फिर क्या होता है कि हमारा कॉम्बिनेशन चेंज होता है, नए प्लेयर्स आते हैं, उनको नया नया सब चीजें सब नया रहता है, तो एक टीम बनाने में टाइम लगता है। तो मैंने यही सोचा इस साल की एक नई टीम बन रही है, तो एक नया विकेट कीपर भी उसके अंदर आएगा हमारी एमपी की टीम में। वो भी सीखेगा हमारे नए कोच से कि वो क्या सिखाते हैं। तो वो अगर वो मेरे को ज्यादा फायदा होने से अच्छा है कि वो यंग कीपर को फायदा होगा। बस ये सोच के मैंने सोचा कि अब मतलब वो अगर एक यंग टीम तैयार हो रही है तो क्यों ना एक यंग कीपर भी उनके साथ ही तैयार हो जाए। ये सोचते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलूंगा, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो भी T20 होते हैं या T10 लीग्स होते हैं, आप मेरे को उसमें शिरकत करते हुए देखेंगे अगर मुझे चांस मिलेगा तो। चांस तो मिलेगा ही ना मन, क्योंकि जिस स्टाइल के आप प्लेयर हैं और जैसे आप खेलते हैं तो चांस तो मिलना ही है। अगर आप ये कोरोना काल ना आया होता तो मुझे लगता है कोई बड़ी टीम जो 8 फ्रेंचाइजी है वो नमन को बिल्कुल खींचने के लिए बैठी हुई थी, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस भी ऐसा नहीं कि परफॉर्म आप नहीं कर रहे, लगातार आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद जिस तरह से अगर बात की जाए, कोरोना काल आया, एक साल का गैप होता है, और एक साल में क्रिकेट को जितना मैं समझ पाया हूँ, अगर आपकी कोई इंजरी है और एक साल तक आप ग्राउंड पर नहीं जा रहे हैं, घर पर ही बैठे हैं और घर में ही अपना वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन वो फर्क आता नहीं है नमन। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप कि कोरोना आ गया, फिर क्या होता है कि जो फील्ड एक्टिविटीज होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, और आप घर पे, हमने जिम बना रखा है, घर पे हमारा जिम है, पर घर में जिम करना और ग्राउंड पे जाके मेहनत करने में जमीन आसमान का फर्क है। जो आपका रूटीन होता है वो आपका रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब पहले 15 दिन तो अच्छा लगा कि लॉकडाउन लगा है तो आराम मिला है, लेकिन वो लगता चला गया, फिर आपको जिम जाने में प्रॉब्लम आ गई, वहां पे जो डिफरेंट मशीन्स होती है हमें जो यूज करनी पड़ती है। लेकिन पिछले 2-4 महीने से मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मैं कीपिंग कर रहा हूँ, मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, और बस इसीलिए कर रहा हूँ कि अब मैंने रिटायरमेंट ले लिया है तो अब मैं ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जाके T20 लीग्स खेल सकूँ, वहां पे शिरकत कर सकूँ, क्योंकि वो फॉर्मेट भी छोटा होता है और छोटे फॉर्मेट के अंदर वर्कलोड भी कम होता है। नमन ओझा को एज अ क्रिकेटर सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि नमन ओझा अपने घर के लोगों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं। कोई भी बड़ा फंक्शन होगा, कोई बड़ा फेस्टिवल होगा तो नमन अपने घर पर होंगे, अगर वो इंडिया में हैं तो ये एक जो बड़ा सॉफ्ट हार्टेड है कि आप अपने घर पर मनाना पसंद करते हैं, आप ज़्यादा फ्रेंड्स के पास नहीं जाते हैं, जब कोई बड़ा मौका होता है तो अपने घर पर ही सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा है ना, क्योंकि मैं पूरे राउंड द ईयर में मतलब अपने घर से दूर ही रहता हूँ, तो और पिछले अभी जब से बीसीसीआई ने 2017 में ये रूल बनाया है कि दिवाली आप प्लेयर्स जैसे क्रिसमस के लिए इंग्लैंड टीम अपने वापस जाती है, अगर वो टूर पे भी आती है तो वो 10 दिन के लिए वापस जाते हैं, 20 तारीख से लेके 20 दिसंबर से लेके 5 फरवरी तक वो भी 15 दिन की छुट्टी पे जाते हैं। तो ये देखते हुए बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि इंडियन प्लेयर भी दिवाली के लिए 7 दिन का ब्रेक मिलेगा। तो अब 7 दिन का ब्रेक मिलेगा तो हम लोग सब साथ नहीं मनाएंगे दिवाली, और कोई भी किसी की शादी होती है तो, अगर वैसे भी शादी में तो कभी मैं बिजी रहता हूँ कभी नहीं रहता हूँ, लेकिन जब मैं फ्री रहता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि जरूर जाऊँ, क्योंकि बहुत लोग मुझसे नाराज हैं, पिछले 20 सालों से मैं खेल रहा हूँ तो इतने सारे लोग मुझसे नाराज हैं, अब सबको तो मैं खुश नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ अगर मेरे को टाइम रहता है तो कोई मेरा कजिन हो या मेरी कजिन सिस्टर हो उसकी शादी होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जरूर जाऊँ वहां पे। देखो नमन भाई, 2008 में आप जब IPL राजस्थान रॉयल्स ने आपको लिया था, उस टाइम आपको शेन वॉन का बड़ा सपोर्ट मिला, शेन वॉन हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आप हुए, स्वप्निल अस्नोरकर आपकी उसी बैच में थे, दृष्टांत याग्निक थे, ऐसे तमाम प्लेयर थे जिनका वो नाम बार बार लेते थे, कामरान खान, यूसुफ पठान, ये सब एक बैच था, रविंद जडेजा उस टीम में थे, जब शेन वॉन आते थे प्रेजेंटेशन के बाद, मैच जीतती थी तो वो आप लोगों का नाम लेने से कहीं नहीं चूकते थे, जो मतलब डगआउट नहीं बैठे थे उनका भी नाम लेते थे कि ये प्लेयर अभी हमारे ऐसे बैठे हैं जिनको खिलाने के लिए मुझे सोचना पड़ रहा है, मैं किसको हटाऊं, किसको क्या करूं। तो कहीं ना कहीं शेन वॉन का आपके IPL करियर पे का
काफी सपोर्ट उन्होंने किया था आपको। पहले मैं गया था 2009 में, पहले 6-7 मैच में मेरे को टीम से ड्रॉप कर दिया था, वापस इंडिया भेज दिया था, मैं वापस गया। फिर मेरे को चांस मिला, मैंने डरबन में 66 रन की पारी खेली थी, उसके बाद पोर्ट एलिजाबेथ में 55 रन नॉट आउट की पारी खेली थी। तो परफॉर्मेंस के बाद ही ऐसा हुआ कि वो मेरे को लाइक करने लग गए। परफॉर्मेंस नहीं था तो मैं घर पे भी आया था, परफॉर्मेंस होने के ने बाद बुलेटिन की मैं लगी जब कोई भी, अगर जैसे मैं भी कैप्टन बना तो जब मुझे पता रहता है कि ये मेरा मैच विनर है, तो जब अपने को पता रहता है कि ये अपना मैच विनर है, तो डेफिनेटली अपना कॉम्बिनेशन उसके साथ बहुत अच्छा हो जाता और वो कॉम्बिनेशन वो। ऐसा बना कि उसके बाद अगर देखा जाए तो शेन वॉन रुके ही नहीं। कहीं भी बात होती थी विकेट कीपर की तो नमन को खिलाते हैं, सेलेक्टर्स रूम में भी ये बात होती थी कि नमन को खिलाते हैं। लेकिन नमन को जब 2015 में ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए भेजा गया, वो अनऑफिशियल जो 4 डेज मैचेस हुए, वहाँ पहली पारी में दोहरा, दूसरी पारी में भी 100 रन, तो कहीं ना कहीं वो टूर आपका बड़ा अच्छा गया होगा नमन। वो टूर भी बहुत अच्छा था, उसके पहले मेरा आईपीएल सीजन भी 2-3 बहुत अच्छे गए थे, वो टूर बहुत अच्छा गया था मेरा। और मेरे को फिर वहां से मैं घर आया, फिर मैं इंग्लैंड के लिए मुझे लास्ट 2 टेस्ट मैच को कॉल हुआ, फिर मैं वापस आया, मैंने फिर से 100 बनाया नॉर्थ जोन के सामने चंडीगढ़ के अंदर। फिर मुझे ऑस्ट्रेलियन टीम में वापस, जो ऑस्ट्रेलिया टीम जाती थी, मुझे कॉल हुआ वहां पे, फिर मैं 1 टेस्ट मैच को था, मैं वापस आ गया। फिर मतलब काफी सारे रन बनाए मैंने वो 2-4 सालों के अंदर, तो मैंने बहुत रन बनाए थे एक्चुअली। कभी मुझे बोला गया कि तो आपको, हमें विकेट कीपर चाहिए, कभी हमें बोला गया कि कोई विकेट कीपर नहीं, हमें एक अच्छा बैट्समैन चाहिए। तो हालांकि मैंने सारे के सारे क्राइटेरिया पूरे किए, पर अनफॉर्चुनेट था कि मैं थोड़ा कम खेला इंडिया के लिए, थोड़ा और खेल सकता था मैं, अच्छा कर सकता था। ये एक अफसोस नमन रहेगा हमेशा कि इंडिया के लिए मैं और खेल सकता था, और अपने मैचेस जितने हमें मिले हैं, अगर वो एक वनडे की बात हो या 10 टेस्ट की बात हो, बात 10-11 मैचेस की नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है कि आपको कुछ नहीं, तो जैसे आज ईशांत शर्मा 100 मैच खेल रहे हैं, तो 50 मैच तो नमन ओझा खेल सकते थे। ऐसा नहीं कि नमन ओझा बिल्कुल ही नहीं खेल सकते थे। खेल सकता था मैं 50 मैच, क्योंकि वहां पे काफी सारा जो ट्रीटमेंट होता है वो काफी डिफरेंट होता है, आपके पास बहुत अच्छे फिजियो अवेलेबल रहते हैं वहां पे। सबसे मेन इम्पोर्टेंट रहता है जब प्लेयर की एज बढ़ती है तो फिजियो का इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, और अगर फिजियो अच्छा होता है तो डेफिनेटली उससे टीम को फायदा होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर रहते हैं। आप देखो 2011 का वर्ल्ड कप जो इंडियन टीम जीती थी, उसके अंदर बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस प्लेयर थे जिनका आखिरी वर्ल्ड कप था वो, तो उनको वो टाइम तक अपने फिजियोज ने ही इतना फिट रख के रखा था कि वो वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्मेंस कर सके, अपने एक्सपीरियंस के साथ में वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सके इंडियन टीम के लिए, और वैसा ही हुआ। फिजियो की बात आई, अभी आप ऑस्ट्रेलिया दौरा आपने देखा होगा जिस तरह से भारतीय टीम के 20 प्लेयर खेल गए, कितने प्लेयर हमारे रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव से तमाम प्लेयर, हनुमा विहारी, कितने प्लेयर घायल हो गए। यहाँ पर फिजियो का क्या रोल रहता है जब आप ऑस्ट्रेलिया टूर आपने किया, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज अगर बात की जाए उनका क्या माइंड सेटअप रहता है, वो आते ही आपको घायल करने के लिए हैं, या बॉल विकेट से उनको मदद मिलती है कि वो पहले से आपको डरा देंगे कि नहीं 2 बाउंसर मारी अब अगली गेंद फुल पे किंगे तो आउट हो जाएगा। उनके अंदर क्या चलता है जब आप तो खेले हैं वहां पर, आप ग्राउंड पर रहे, जॉनसन का आपने सामना किया, पीटर सिडल को आपने खेला, ब्रेटली को खेला, तो इन लोग के माइंड में क्या चलता है जब आप लोग ग्राउंड पर होते हैं? बेसिकली आप उनके माइंड में कुछ भी चले, मगर अपना माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए खेलने के लिए। उनके माइंड में मारने का चले, कुछ भी चले, अगर आपका टेक्निक अच्छा है, आपको डक करना आता है, आपको पुल करना आता है, तो आई देखो इस साल आप देखो लड़का, नया लड़का शुभमन गिल ने बैटिंग किया, कितना ब्यूटीफुल किया। और अगर उस वो पुल अच्छा करता है, लेकिन जो पुल अच्छा नहीं भी करता है वो भी वहां सर्वाइव कर सकता है। मैं इतना अच्छा पुल नहीं करता हूँ पर मैं भी सर्वाइव कर सकता हूँ। आपको डक करना आना चाहिए, बॉल को लीव करना आना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है शोल्डर राइट से ऊपर है तो आप छोड़ सको उसको, तो कितनी देर तक वो डालते रहेंगे, 1 सेशन 2 सेशन ज्यादा से ज्यादा डालते हैं, फिर तो वो भी टायर्ड हो जाते हैं। आई थिंक वो भी ह्यूमन ह्यूमन बॉडी है, तो वो भी टायर्ड तो होती है ना, बिल्कुल गलतियां वो भी करते हैं, मगर आपको उतना टाइम उनको फील्ड में रखना पड़ेगा तभी वो गलतियां करेंगे। और अगर उतने टाइम आप फील्ड में उन्हें नहीं रख पाएंगे तो फिर तो वो हावी हैं। अगर बात की जाए तो इंडियन टीम में आप इतना रणजी ट्रॉफी खेले, आप इतना घरेलू क्रिकेट खेले, 20 साल आपने घरेलू क्रिकेट खेला तब आप इंडिया को नॉक कर पाए, लेकिन आज की डेट में क्या IPL क्राइटेरिया बन चुका है टीम इंडिया के सिलेक्शन का? क्या रणजी ट्रॉफी और जो घरेलू क्रिकेट जो वो टूर्नामेंट्स होते हैं इनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है? बनाने के लिए, क्योंकि वहां पे आप क्या होता है कि जो भी वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स हैं, इंडिया के भी बेस्ट प्लेयर्स और वर्ल्ड के भी जो बेस्ट प्लेयर्स रहते हैं, आप उनके साथ कॉम्पीट करते हो।
अब उनके साथ कॉम्पीट करके अगर आप स्कोर करते हो, रन बनाते हो, तो आपको डेफिनेटली वाइड बॉल में आपको कंसिडर करना चाहिए और करते हैं T20 के लिए और वनडे क्रिकेट के लिए। वहां से आपको पिकअप कर सकते हैं कि आपका स्ट्राइक रेट क्या है और आप बॉल कितना अच्छा स्ट्राइक करते हो या आप प्रेशर में, तो उतना देखने के लिए काफी काफी होता है। बिल्कुल एक और काफी होता है, क्योंकि जिस तरह से आप लोग आए हो, अगर एक एक मेरा ये सवाल है, मेरे मतलब मैं जब से मैं क्रिकेट खेल रहा था, जलज भाई को आप जानते हैं, आपने साथ में रहे हैं, था जलज सक्सेना एक शानदार ऑलराउंडर है, उन उनके मन में भी एक बड़ी टीस रहती है कि मुझे इंडिया क्यों नहीं खिलाया गया। उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया हमारी टीम के लिए। नहीं, उनके मन, मेरी जब उनसे बात होती तब मुझसे वो यही कहते हैं, यार विशाल इंडिया खिलाओ यार, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, इतना परफॉर्मेंस करके दे दी है, बेस्ट ऑलराउंडर के इतने अवार्ड मिल गए, इंडिया कैसे खेले हम? तो इंडिया का क्या क्राइटेरिया है, कैसे चयन होगा? जलज सक्सेना एक शानदार स्पिनर ऑलराउंडर है, आज इस टाइम केरला से खेल रहे हैं, वहां पर भी विकेट ले रहे हैं, तो ऐसा क्या जलज सक्सेना कर दे कि टीम में आ जाए? मेरे को लगता है कि वो अब आईपीएल आईपीएल एक क्राइटेरिया है, आईपीएल में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस, एक अच्छा वो दिखना चाहिए उनके उस पे, जो भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाएगा आईपीएल में, आई थिंक वो भी मतलब कंसिडर करा जाएगा वहां पे भी, क्योंकि यहाँ पे तो आप कर चुके हो, वहां पे भी वो करेंगे तो डेफिनेटली उनको कंसिडर करेंगे। बिल्कुल, अब ये जलज सक्सेना हो या आप हो, आप लोग इतना घरेलू क्रिकेट खेल के निकले हैं, आप बने रहिए हमारे साथ नमन। हम लोग बात कर रहे थे, आज हमारे साथ हैं पूर्व क्रिकेटर नमन ओझा, संन्यास के बाद एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके न्यूज़ पर देख रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जीजीएस एजुकेशन ग्रुप लॉन्चेस 20% डिस्काउंट ऑन एकेडमिक फी ऑफ कोर्सेज एमबीए, बीबीए, बीसीए, बीएफएसआई एंड जीएम, डी फार्मा, बी फार्मा। ऑफर्स बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बेस्ट एकेडमिक सर्विस एंड बेस्ट प्लेसमेंट सर्विस। Register today to avail 20% discount. Call 9971-496-497 or visit the campus, Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, हमारे साथ पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर नमन ओझा बने हुए। नमन, आपके पास आऊंगा, जिस तरह से देखा जाए अगर कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में अभी बहुत सा टैलेंट छुपा हुआ है, क्या आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास के बाद अब थोड़ा वहां पर लगकर युवाओं को निखारेंगे, युवाओं को थोड़ा गाइड करेंगे कि अब आप थोड़ा ऐसे क्रिकेट खेलिए, क्रिकेट में काफी बदलाव हो गए, कोरोना ने और बदलाव दे दिए हैं? नमन, हाँ कर सकते हैं, अगर उन अगर लगेगा एसोसिएशन को कि उनको मेरी मदद की जरूरत है तो बिल्कुल करूंगा। नवन, कुछ क्रिकेट की बातें अगर की जाए आपसे, कि आप जब खेल रहे थे, आपने सबसे ज्यादा जो टफेस्ट पांच तेज गेंदबाजों की अगर बात की जाए, क्योंकि आपने आईपीएल भी खेला, ऑस्ट्रेलिया भी गए, आप जिम्बाब्वे टूर पर भी रहे, तमाम टूर आपने इंडिया की तरफ से भी किए, इंडिया टूर पर भी रहे, तो जो सबसे टफेस्ट आपको बॉलर लगे कि बहुत क्विक थे, इनको खेलने में काफी दिक्कत होती थी? थे मिचेल स्टार्क, थे आई थिंक मिचेल स्टार्क, पैट कमिंग्स, अगर आप देखो ईशान शर्मा हो गए, उमेश यादव हो गए, ये सब मतलब टफ है, मतलब ये 150 केस की स्पीड में बॉल डालते हैं तो रिफ्लेक्सेस अच्छे फास्ट चाहिए, और कोशिश यही रहती है कि उनको रिफ्लेक्सेस के साथ ही खेला जाए। कितना कठिन होता है ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस और मिसेस स्टार्क की बाउंसर आती खेला, ये ड्रेसिंग रूम में क्या क्या माहौल रहता होगा जब कोई एक नए से, आपका पहला टूर ऑस्ट्रेलिया रहा, तो आपको क्या बताते हैं सीनियर, डराते थे कि कहते थे कि जाओ जैसे मनो वैसे खेलना? नहीं, जैसे मनो वैसे नहीं चलता है, आपको अकॉर्डिंग टू बॉल ही खेलना पड़ता है, वो बताए या ना बताए आई थिंक आपको अपने अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे और उसी से खेलना पड़ेगा। ड्रेसिंग रूम का कोई ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहते हो कि ड्रेसिंग रूम में आपने अगर बात किया, धोनी के साथ भी आप रहे, तमाम प्लेयर्स के साथ आप रहे, नमन?
तो आपको बता दें, जिस तरह से अभी हमारे साथ नमन ओझा जुड़े हुए थे, 15 फरवरी को इन्होंने संन्यास लिया। नमन ओझा का जन्म 20 जुलाई 1983 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम विनय कुमार ओझा है और उनके माता पिता को सपना पूरा करने के लिए हमेशा उन्हें प्रेरित करते हैं। नमन ओझा की शादी अंकिता से हुई। इन दोनों को एक लड़की और अपने माता पिता को खुश करने के लिए उनके साथ टाइम में बिताना पसंद करते हैं। नमन एक शानदार विकेट कीपर है। 20 साल तक रणजी ट्रॉफी खेला उन्होंने। नमन ओझा ने प्रथम श्रेणी में 2001 से मध्य प्रदेश के लिए खेला। सीमित ओवरों के मैचों में इन्होंने काफ़ी सफलता मिली। 2008-09 के चैलेंजर ट्रॉफी में इन्होंने इंडिया ग्रीन की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। इन्हें काफ़ी सफलता मिली। 2008-09 के चैलेंजर ट्रॉफी में इन्होंने ग्रीन इंडिया की तरफ से 96 रन बनाए थे, जो इनके ऐतिहासिक 96 रन थे। उसके बाद इन्होंने टीम इंडिया अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनके क्रिकेट करियर की अगर बात की जाए तो 2000 के आखिर में जब ये टीम जोड़ते हैं मध्य प्रदेश की, और बहुत ही अगर बात किया तो 8-9 साल की उम्र से ही क्रिकेट पर बिल्कुल फोकस्ड थे। यशवंत बैंक ने इनको पहला ब्रेक दिया क्रिकेट में। कैंप लगता है यशवंत बैंक का मध्य प्रदेश में, वहाँ से एक टूर्नामेंट हुआ, वहाँ पर इन्होंने परफॉर्म किया। फिर CCI में इनका दाखिला होता है, वो इनको अपने अंडरटेकिंग रखते हैं। फिर वहाँ से नमन को फिर एक बड़े स्तर का एक हाथ मिलता है, इन्हें मुरली कार्तिक इसे वहाँ कहा जाता है मध्य प्रदेश में। और बात की अगर जाए कि टेस्ट में, एक टेस्ट खेले हैं, 2 इनिंग, 56 रन बेस्ट है उनका। वनडे की बात की जाए तो एक ही मैच इन्हें प्ले करने को मिला। T20 की बात की जाए तो 2 मैच खेलने को मिले। तो कहीं ना कहीं नमन ओझा एक कंप्लीट क्रिकेटर है और हैं। और अभी उन्होंने ऐसे हम लोग कहा भी कि अब लिमिटेड ओवर्स में 2-3 घंटे का मैच सब खेल सकते हैं, लेकिन 4 डेज क्रिकेट की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसके लिए अब शरीर थोड़ा साथ नहीं देता है। और दूसरी चीज, जिस तरह से कोरोना काल हुआ, जो 1 साल का गैप हुआ, उसमें कहीं ना कहीं और नमन हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। नमन, अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश में आपने बहुत, यशवंत बैंक का आपको याद हो, आपने जब शुरुआत की क्रिकेट की, आपके वहाँ से आपको फिर CCI और तमाम ऐसे आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपने क्लब बदले और तमाम ऐसे किए, लेकिन आज के लिए युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से युवा आते हैं वो सिर्फ IPL की धारणा लेके आते हैं कि मैंने बैट पकड़ा है, मैं IPL खेलूंगा। बराबर, युवाओं का ये रहता है कि वो IPL खेलें, क्योंकि वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिंग फॉर्मेट अभी लगता है। तो आप खेलो, खेलने का मना नहीं, लेकिन आपको बाकी दूसरा क्रिकेट भी खेलना पड़ेगा, जो कि वनडे है, T20 है, और फिर अगर 4 डे क्रिकेट है तो ये भी आपको खेलना पड़ेगा। IPL आप बेशक खेलिए, खेलने का मना नहीं है, लेकिन आपका जो फोकस रहता है, जो आपका विजन रहता है, वो हमेशा कैसा होता है कि साल में जितना क्रिकेट होता है मेरे को सब खेलना है, तो उसके अंदर IPL भी आता है, उसके अंदर 4 डे भी आता है, तो सारे फॉर्मेट आप खेलो। हमारे आप विकेट कीपर रहे, ऋषभ पंत को कैसे देखते हैं? ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग के बारे में क्या कहेंगे? बैट्समैन तो बहुत शानदार है, विकेट कीपिंग के बारे में ऋषभ, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत इंप्रूव कर लिया उसने, और उसका वो जो बैटिंग का कॉन्फिडेंस है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि काफी और आगे साल भर के अंदर बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट आएगा उसके अंदर। क्योंकि अगर टेस्ट क्रिकेट अगर आप खेलते हो या 4 डे क्रिकेट अगर आप खेलते हो, तो आपका आपको आपके कीपिंग के अंदर, आपका मतलब बैटिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर, सब में निखार आ जाता है। तो वो उसमें आपको अगले 6 महीने में देखने को मिलेगा ये निखार ऋषभ। और ऋषभ पंत का मुझे जिस हिसाब से विकेट कीपिंग करते हैं, वो भी ज्यादा झुकना पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे जब वो विकेट कीपिंग शुरुआती दौर में आए तो मुझे वो युवा नमन लगा, जिसको मैं देखता था रणजी ट्रॉफी मैचेस में, मैंने फॉलो किया था, कि जिस हिसाब से आप भी ज्यादा झुकना पसंद नहीं करते थे, वो बैक पेन की वजह से। कीपिंग आपको बाय टाइम से ही आता है, कीपिंग ऐसा रहता है, कीपिंग एक ऐसा आर्ट है कि जो आप ऐसे नहीं सीख सकते हो कि आपको ओवरनाइट आ गया या 18 साल के बहुत बेहतरीन आर्ट आ गया, वो गलतियां करके ही आता है आपको। और या तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ हो, कीपर अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला रहेगा, वो 50 मैच 60 मैच 100 मैच अगर खेलता है, तो वो गलतियां जो टेस्ट मैचेस में नहीं होनी चाहिए, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के ही समझ पाएगा। फर्स्ट क्लास बहुत जरूरी है नमन, किसी भी युवा प्लेयर के लिए। लेकिन जब मैं जाता हूँ ग्राउंड पर, मैं देखता हूँ तो बच्चे एक ही चीज, आज तुमने IPL में इस प्लेयर को देखा, वो उस प्लेयर को तो देख रहे हैं। अगर आपकी बात की, कोई प्लेयर कहता है कि आपने नमन को देखा उस दिन जब आपने संन्यास की घोषणा की, मैं जब मुझे पता चला, मैंने डिस्कस किया लोगों से कि जो आपके साथ खेले या आपके सीनियर्स रहे, जब तो कि नमन ने संन्यास ले लिया भाई, तो उन्होंने कहा कि अच्छा प्लेयर भाई, क्यों संन्यास लिया? दिक्कत बैक पेन, कहते बैक पेन उसको आज से नहीं, सबने कहा बैक पेन एक बड़ी दिक्कत थी।
नहीं, बैक पेन वगैरह कुछ भी नहीं है मेरे को अभी इस वक्त। मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ बराबर, और अभी मैं T20 के लिए फोकस कर रहा हूँ, जो कि बाहर के जो अराउंड द वर्ल्ड जो होते हैं T20s में, उन पे फोकस कर रहा हूँ। मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और अब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा रहता है कि बैग आप इतना मेहनत करते हो, इतना रनिंग वगैरह करते हो, आप इतना ट्रेनिंग करते हो, कभी रेस्ट नहीं मिलता है, तो थोड़ा बैक पेन रहता है आपको। और बींग एन कीपर, अगर कोई क्रिकेट खेला होगा तो वो समझेगा कि बॉलिंग में बैटिंग में थोड़ा पेन रहता है, तो वो वैसा ही मेरे को था। लेकिन मुझे अपना करियर थोड़ा प्रोलॉन्ग भी करना था यहाँ से, कि अगर मैं 2-3 साल यहाँ से और T20 क्रिकेट खेल सकूँ, तो अगर T20 क्रिकेट खेलूंगा तो बॉडी पे थोड़ा लोड कम रहेगा, तो मैं ज्यादा क्रिकेट खेल सकता हूँ। और ये सोच के, और मैंने डिस्कस किया अपने कोचेस के साथ में, और ये करके मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, ताकि कोई नया बच्चा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सके और वो आगे जा सके। और आगे जाएगा, अगर आप जब हिसाब की कामनाएं होती हैं कि मेरी जगह कोई एक नया युवा आएगा, इसी तरह अगर बात किया आप ही के साथ कि तमाम ऐसे परविंदर रवाना ने और श्रीकांत अरविंद ने ऐसे ही संन्यास लिया, उन्होंने कहा कि हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं जितना क्रिकेट खेलना था, अब मैं चाहता हूँ कोई युवा आगे बढ़े और हम लोग को थोड़ा बैक होना चाहिए, हम उन युवाओं को सपोर्ट करें, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। मध्य प्रदेश से मुझे लगता है काफ़ी दिन हो गए कोई एक अच्छा प्लेयर निकल के आपके साथ के जो थे वो थोड़ा एक दौर खाली सा हो गया, कोई एक अच्छा प्लेयर निकल के आए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या ऐसे स्टेट से कि अब क्रिकेट में वो भी दिखाए कि मध्य प्रदेश में भी क्रिकेट है, जिंदा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं सब लोगों के साथ है। बिल्कुल, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। जल्द आप ग्लोबल लीग में हम लोग को खेलते दिखो, मैं आपसे फिर ऐसे ही मिलूं कि जब आप मैच खेल रहे हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे आने वाले करियर के लिए, जब आप T20 या T10 लीग खेलते रहेंगे। नमन, बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज से जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर नमन ओझा, जिन्होंने बताया कि आप IPL पर फोकस कर सकते हैं, आप IPL के लिए खेले, लेकिन कहीं ना कहीं जो 4 डेज मैच होते हैं, रणजी ट्रॉफी मैचेस हैं, इन पर भी आपको खेलना होगा, क्योंकि मेन क्रिकेट यहीं पे है, यहीं से आपको इंडिया के लिए चांस मिलता है। मैंने भी वो 20 साल लगभग रणजी ट्रॉफी खेले, उसमें वो इंडिया भी खेले, IPL के 2008 से लेकर 18 तक वो IPL की टीमों में बने रहे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे शानदार कैरियर का अंत, एक युग का अंत अगर बात की जाए तो 15 फरवरी 2021 को हो गया था। लेकिन अब बहुत जल्द आपको नमन ओझा ग्लोबल लीग्स में खेलते दिखेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।